हमारे बड़ी ड्यूटी थ्री आएंगे तो अजीब की बड़ी ड्यूटी थ्री क्या है मान ले पार्टिकल है जिसकी रफ्तार है वेलोसिटी बराबर 2 आई है कितना 2 है वन पार्टिकल है ये है सेकंड पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 2 आई है प्लस 3 जे है माना बोल एक और पार्टिकल है बी 3 के जिसका है आई है प्लस 2 जे है प्लस 3 जे है मैं आपको बता दूं एक मेरे पास रूम है अपने पास ध्यान रखें बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा हूं जो 11 में पढ़ाता हूं वो सब कुछ उधर काम करा बट जहां बहुत बेसिक होगा क्या आप थोड़ा सा तेज कर दोगे माना बोलना पड़ेगा चलो बोलो ये 1 2 और ये 3 इसको कॉल की पहला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ये 3 ये 3 ये 3 पक्की बात यस सर माना बोल यस सर बोल दे यस सर ये सब बंडी सन्नाटे हो गया ऐसे देखो तो ये सीधा चल रहा है पहला दूसरा वाला ऐसे सीधे चल रहा है तीसरा वाला ऐसे सीधे चल रहा है चल तो सीधा ही रहा है मतलब थ्री डायमेंशन मतलब किधर भी आप बेसिक आइडिया में क्लियर होना चाहिए हम तो भाई सब इसकी बात करते हैं हम करंट टेस्ट पर डाले मंडी टू डी थ्री डी आज हम बहुत बेसिक सी बात करेंगे डिस्टेंस सब लोग जानते हैं क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड पास एकदम कर लेते हैं देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर आगे मुझे पढ़ाते हुए क्योंकि ये सब आप 9 10 सबसे पहली बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहां पढ़ा था 9th में पढ़ा था बहुत बढ़िया था पर 9th क्लास में आ गए वापस 6th में पढ़ लिया था बहुत बढ़िया सब लोग अलग अलग जगह पढ़ा सबके स्कूल चमत्कारी इधर देख पढ़ा था ना सुना है ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड ओहो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान लो आपका पॉइंट यहाँ से चालू हुआ ये पॉइंट यहाँ से चालू हुआ ऐसे कुपात सब लोग जानते हैं टाइम पास कर रहा हूँ आधा जल्दी बोलो यहाँ से यहाँ गए तो भाई साहब ऐसे गए ये करवी लीनियर पाथ है और इसको जोड़ करने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी क्या कहलाएगी ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है पक्की बात डिस्टेंस इज द ओरिजिनल लेंथ डिस्टेंस इज द हाँ ना बोल डिस्टेंस स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता कोई बुराई
और डिस्टेंस अपना क्या होता है, इसके अलावा यूनिट क्या होती है सबकी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इलेक्ट्रॉन, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिली। हाँ ना बोल, बहुत सारी यूनिट हो सकती है जिसको जैसे नापना वैसे हम नापते, हमें पता होता है हमें किसको किस से नापना है। कोटा से दिल्ली जा रहे हो तो मिलीमीटर में नापोगे किलोमीटर में, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा है। अरे यार हाँ बोल यार, मान लो किसी को चीज नापनी तो सेंटीमीटर स्केल एमएम स्केल से नापोगे यार, नहीं आया नहीं आया, हमें समय के साथ पता पड़ जाएगा कि हमें क्या चीज किससे नापनी। खैर हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, रफ्तार में बात करते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट है, अपना डिस्टेंस है, और ये वेक्टर क्वांटिटी और ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो सकता है कोई शक वाली बात, क्या डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ ना बोले यार, सोच ले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कौन, क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा, क्या मैक्सिमम हो सकता है, चलेंगे कोई सोर ऑफ साइंस नहीं है तो लिखा कैसे जाता है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोला था जो बोला चुनका, मॉड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड, क्या चीज मैग्नीट्यूड। खड़ा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा, इधर पीछे खड़ा हो जा, हमारी कार में जो मीटर लगा होता है वो क्या देता है, दूरी की होती है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। स्पीड वेलोसिटी बच्चे जानते हैं, सिंपल सी बात, कोई खास बात नहीं है, थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, थोड़ी सी फील आने वाली बात, आपका लेक्चर तो बहुत टफ नहीं बट धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा समय के साथ, सब कुछ मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, अगर स्पीड एंड वेलोसिटी बात की जाए, स्पीड वेलोसिटी स्पीड अपन जानते हैं सब लोग, मैं आपको कुछ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बेसिकली स्पीड की यूनिट और वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड है, क्या है मीटर पर सेकंड, अगर बोला मैंने स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब आप समझ गए कि आप एक सेकंड में कितना चल रहे हो, 10 मीटर कितना चल रहे हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस सब लोग जानते हैं, अच्छी बात। मैं अपन जो बेसिक बात करी जाती है एवरेज स्पीड, और 500 किलोमीटर की दूरी मैंने 10 घंटे में तय करी, कितने घंटे में मैंने 10 घंटे में तय करी, कोई बुरे वाली बात, मैंने 10 घंटे में मेरी दूरी को तय करा, 10 घंटे में दूरी को तय करा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, आपने क्या करा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड क्या लिखी है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, that means if we will maintain the 50
15 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी देन इट विल टेक 10 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी यार हां मैं बोल दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड अब मान लो हमें कुछ और बात सुननी है अच्छा क्या मान लो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं मान लो कि 2 घंटे से लेकर एक मिनट तक थोड़ी बात को फील करें नहीं बताओ तो काम चल जाएगा 2 घंटे एक मिनट तक मान लो कि मैंने आज अपनी यूज साल हमारा हो 900 मीटर ट्रेवल करा कितने मीटर ये मैंने बताया आपको कि 2 घंटे से लेकर 2 घंटे एक मिनट में मैंने 900 मीटर ट्रेवल करा कितना ट्रेवल करा मेरी एवरेज स्पीड क्या हुई इस दौरान सब लोग बताएंगे एवरेज स्पीड क्या हुई क्या हुई एवरेज स्पीड क्या हुई 900 बटे 60 जीरो ने जीरो को मार दिया 90 बटे 6 15 मीटर पर सेकंड क्या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे अगर 50 किलोमीटर पर आ रहा है ये है 50 किलोमीटर पर आ रहा है कैसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/80 का नहीं आया नहीं आया कन्वर्जन तो आता है ना तुम्हें कोई मेरा वाली बात कोई मेरा वाली बात भाई साहब हमें तो बोलो 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 मिनट में आपकी रफ्तार जो 50 मीटर पर सेकंड एवरेज है क्या ही क्या ही एवरेज मेरा जो बोला चुका अब तो खुद सोच अगर 15 मीटर पर सेकंड एवरेज रफ्तार है लॉजिकली सोच क्या 2 घंटे पर एनपी सर हम रुककर चाय पी रहे थे 2 घंटे 2 बज मतलब 2 घंटे 30 सेकंड पे लॉजिकली सोच क्या इस डेटा से ये अपन इंटरप्रिटेशन कर कर सकते हैं कि एनपी सर की कार क्या चल रही थी उस समय मैंने कितना दूरी ट्रेवल करी एक मिनट में मतलब कार चल रही थी रुकी हुई थी इसका मतलब मैं चाय थोड़ी पी रहा था अरे यार कॉमन सेंस अरे यार अगर मुझे पहला का डेटा पता है तो थोड़ी पता है कि 2 घंटे में मैं चाय पी रहा था नहीं पी रहा था बट अब हो सकता है कि मैं चाय अब चल रहा है थोड़ी चाय चाय पीऊंगा उसको बोल भाई चाय बना भाई कॉमन सेंस की बात हमने थोड़ी और रिसर्च करी हमने बोला भाई साहब 2 घंटे से लेकर कितना 2 घंटे से लेकर 1 सेकंड तक 2 घंटे 1 सेकंड तक अरे यार हां ना बोल मान लो हमने दूरी चली 20 कितनी चली 20 मीटर एवरेज स्पीड अरे यार हां ना बोल 20 मीटर पर सेकंड बोलिए यस सर पक्का है इसे 2 घंटे में चाय नहीं पी रहे अरे यार कितने 20 सेकंड की एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड अरे यार नहीं आया नहीं आया एवरेज स्पीड निकाली 2 घंटे से लेकर 2 घंटे से लेकर 0.001 सेकंड में हमने दूरी चली मान लो 0.05 मीटर अरे यार हां ना बोल तुम्हें तो एवरेज स्पीड कितनी है ना अरे बोल कितनी आई चलिए बोल जल्दी बोल भाई भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम एवरेज स्पीड किताब में
में लिखा हुआ था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, देख इसका मतलब समझ में आएगा। इसलिए इस प्रकार का मतलब क्या क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बट लिमिट उसे फील करो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मैथमेटिकल टूल और लॉजिक को मिलाकर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बन गई है, पर ये आती है एवरेज स्पीड से। कहां से आती है यार? नहीं आया, आया नहीं आया, ज्यादा थोड़ी सी फील आई। क्योंकि अब जब भी इसी बात करूं ना पूरी फिजिक्स में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जब भी एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा क्या ये आपको फील आनी चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? आर टू वेक्टर माइनस यार हां वो यार ये अपना आर वेक्टर इसमें बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, लगा कि मैं आया आया नहीं आया तो दो आर टू डी डेटा पे डेटा टी पर लेते हैं, समझ बोला ठीक, मैंने ही बोला पक्की बात। ओ हो हो तो एवरेज लॉसिंग डेटा पे डेटा अगर इसको छेड़ी से करवा देना तो क्या हो? सिंपल सवाल था, सिंपली करना था, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एक और जोड़ोगा
सवाल सिंपल अगेन टफ ये बिल्कुल सवाल लेके सवाल लेके अपराध है बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं सवाल ही करने हैं देखो बेसिक से सवाल लेको सन्नाटो अ कार ट्रेवल्स विद v1 स्पीड फॉर हाफ ऑफ अ टोटल डिस्टेंस a car travels half of the total distance with v1 speed with v1 speed and second half distance with v2 speed find average speed रोड का सवाल कोई टफ नहीं है मान लो इंपैक्ट दूरी कितनी अरे कितनी हां ना बोल कुल मिलाकर दूरी कितनी पक्की बात हां ना बोल कुल मिलाकर दूरी d कुल मिलाकर दूरी आधी हो गई d/2 आधी हो गई आधी दूरी कितनी रफ्तार से चले यहां चले d1 से अगर d1 से चले तो टाइम कितना लगा d/2 d1 ऐसे यहाँ पर इतना टाइम लगा टी टू डी बाई टू बी टू अच्छा बताओ कुल मिला के एवरेज स्पीड होती क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस तो डी है टोटल डिस्टेंस क्या है टोटल डिस्टेंस डी है तो डी बाई टाइम टाइम का मतलब डी बाई टू बी वन प्लस डी बाई टू बी टू डी ने डी को आंसर क्या आया टू बी वन डी टू बाई बी वन प्लस बी टू अरे भाई साहब नहीं आया 2v1 v2 by v1 plus v2 अरे भाई साहब सन्नाटे चले गए बोलो चमका एकदम पक्का 100% खत्म ये जीरो का सवाल इसका एक और है बोल करा दूं वो भी आसान है करा दूं फटाक से तीनों फटाक से a car travels with v1 speed बैठ जाओ पीछे अभी का टाइम चल रहा है a car travels with v1 speed for half of the total time A car travels with v1 speed for half of the total time and for the next half it travels with v2 speed. Find average speed. A car travels with v1 speed for half of the total time and with v2 speed for the next half of the total time. Find out the average speed. बस यूरोप में वीडियो बाय टू चलाओ देखते हैं ये देख वी बाय टू या वीडियो बाय टू जस्ट यूरोप में वीडियो बाय टू सब का आता है टोटल टाइम का आता है कि डिस्टेंस का आता है टोटल टाइम मान लो टोटल टाइम टी है तो टी बाय टू टाइम तक आप कितनी रफ्तार से चले टी वन रफ्तार मतलब ये दूरी कितनी हो गई टी वन टी वन की रफ्तार हो गई टी वन इंटू टी बाय टू बोल यस और ये दूरी कितनी हो गई v2 t/2 बोल यस और नो तो मिला के दूरी आपने ट्रैवल करी वो कितनी थी v1 t/2 v2 t/2 यानी टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस इज दिस अपॉन टोटल टाइम दैट इज t आंसर है t1 v1 v2 2 क्या तुमसे हुआ ही हुआ नहीं हुआ और लोग सिंपल सिंपल जवाब में कहां का एवरेज और बातें होगी ऐसी बात नहीं अभी अपन सिंपल सिंपल जो और बातें करते हैं अच्छा मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं आप जानते हो अच्छे से कि अगर एवरेज स्पीड की अपन बात कर रहे हैं तो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो लिखी जाती है dx / dt क्या लिखी जाती है मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि x / 2t² ओरली आंसर दे बताओ फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड ओरली फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड पक्की बात ओरली आंसर फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड कैसी बात क्या आपने 40 लिखी है फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड ओरली मैंने बोला फाइंड स्पीड एट 2 सेकंड तो आपने आंसर 8 दिया बोल यस और नो सही है बिल्कुल एकदम मैंने पूछा फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड सब लोग बोलेंगे सब लोग बोलेंगे कोई भाई वो किसान क्या इनिशियल एक्स 0 है क्या 2 सेकंड का एक्स जो है 8 है क्या एवरेज स्पीड होगी 8/2 कितनी होगी 8/2 नहीं आया आया नहीं आया कोई भाई कोई कष्ट सोच ले आना बोलना पड़ेगा सब लोग ठीक मैंने ही बोला लो भैया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया अब बहुत मजा आया बाबा सिंपल सिंपल अच्छा ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको
v बराबर dx by dt है। अगर v पता हो तो क्या x निकाल सकते हैं? v पता हो तो क्या? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इधर से इधर भी ला सकते हैं और velocity vector में हम क्या लिखते हैं? dr vector by dt। अगर कभी आपको question vector चाहिए, क्या चाहिए question? पहले बताओ x बताओ तो velocity आने के लिए reflection करेंगे और velocity बताओ तो x आने के क्या करेंगे? बाकी बात क्या common sense की बात चमकती है अपने को कोई बुरी बात नहीं बात और छोटे कुछ कुछ सवाल देखा ध्यान से क्लियर किया जाए कि हाँ यार सब सही बोल रहे थे मान लो कि x की वैल्यू ऐसे पता सवाल करते हैं मान लो कि x की वैल्यू हुआ जो डी उस तरह हमारा हो कैदर से सवाल आ रहा है कुत्ता का जी फोर्टी माइनस ई स्क्वायर फोर्टी माइनस फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकंड्स फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकंड्स फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकंड्स फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकंड्स फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकंड हर समय में कहां का ये बता रहा है मैंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकेंड्स मैंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थ्री सेकेंड्स वो गजट होगी ना वो पढ़ाई के साथ भी बराबर यू प्लस एट टू जो एक्सटेंशन कॉन्स्टेंट है बस
जैसे मुझे आता है आपको आना कुछ भी लड़के नहीं होगा रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराया कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्या है सवाल से ज्यादा डिस्टेंस जब भी पूछा जाए तो मेरे काम खड़े हो जाने चाहिए और मुझे उस पंटी को भी निकल जाना चाहिए जहां पे पंटी पंटी कहां मार दे जहां पे हो सकता था मैं आपसे डिस्टेंस की बजाय पूछता एवरेज स्पीड क्या पूछता एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम होता है नहीं आया नहीं आया सवाल हो गया समझ पक्की बात एक और पूछो घबराओ तो नहीं एकदम पक्का चलो देखते हैं क्या चलो ट्राई मार लेते हैं आओ हम प्यार की एक कहानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी मैं सब लोग लेटेस्ट कास्ट पर से तुम्हारी है किस पर हमारा टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फाइन एवरेज स्पीड इन फाइव सेकेंड बिल्कुल वैसे ही थोड़ा जैसा निकल आया था अब गलत करना हाँ भाई एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फाइन एवरेज स्पीड देख यार पहली बार t इक्वल्स टू 0 पे डाल रहा हूं रिस्पांस होगा कहां है 0 क्या मैंने व्हाट अप पढ़ाया नो सर क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं नो सर रिस्पांस होगा पहले ना मैंने एक ही बैठ के 10 बार बोल करेंगे अपन 11 की तरह दो ही करेंगे भैया मैक्सिमम होगी t इक्वल्स टू 0 पे x कितना 0 आज पर रफ्तार कितनी अपनी 2t माइनस 6 बोल यस और नो यस सर t इक्वल्स टू 0 पे रफ्तार माइनस 6 है मतलब पीछे जा रहे हैं कि आगे पीछे कहां जा रहे हैं क्या इस समय ऐसा है जब वेलोसिटी जीरो आ जाए वेलोसिटी जीरो मतलब टाइम के लिए 3 सेकंड 3 सेकंड पे एक्स क्या है देखो वहां पे 3 रखो 3 3 या 9 9 माइनस 18 9 क्या माइनस 9 पे पहुंच गए अब हम यहां से चालू हुए माइनस 9 पे पहुंच गए माइनस 9 मीटर सबने बोला ठीक है 3 सेकंड टाइम है कितना टाइम है ये 3 सेकंड टाइम वाला पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच चुका है तब रफ्तार 0 है सबने बोला ठीक मैंने भी बोला क्या डरने की जरूरत नहीं हां ना बोलिया अब ये से एवरेज स्पीड 5 सेकंड में पूछ रही है इसका मतलब मैं ऐसे करके पलट के वापस आया हूं यस सर क्या मुझे लगा तुम्हें आया आया हूं आया हूं अगर मैं पलट के वापस आ गया तो t बराबर 3 सेकंड t बराबर 0 माइनस 9 मीटर ओ हो हो पर एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड यार मार गया t स्क्वायर माइनस 60 5 सेकंड में आ गए 25 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 5 क्या है
वेलोसिटी है, क्या है बोलो क्लियर है ना, इसी पढ़ के लिए क्या है मान लो t इक्वल टू 0 का ओरिजिन पे थे, कहां पे थे आपसे सवाल पूछा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड। तो लोग मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया, क्या लिखते हैं उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसे लिखते हैं dr वेक्टर / dt, यानी कि लिखा जाएगा 2 dt का इंटीग्रेशन i कैप + 2 dt का इंटीग्रेशन j कैप, बोल यस और नो, 2 का इंटीग्रेशन 2t 0 to t की लिमिट लगाएंगे कोई उलझने वाली बात यहां पर, लिमिट आएगी r इनिशियल वेक्टर r फाइनल वेक्टर, बोल यस और नो, तो इसे लिखा जाएगा ध्यान से लिखना r फाइनल वेक्टर - r इनिशियल वेक्टर, बोल यस और नो, r इनिशियल वेक्टर कितना है 0, कितना है इससे अगर इस देख पाए कोई शपाली बात बेसिक को समझे, क्योंकि अगर मैंने कुछ दिया होता तो क्या आंसर कुछ और आता, इसलिए मैं वो जल्दी से कर रहा हूं, लिखा 2t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, मतलब जो बोला चमका मतलब r वेक्टर जो फाइनल आया हुआ है 2t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, इनिशियली हम कहां पे थे ओरिजिन, कहां पर थे ओरिजिन पे, अच्छा 2 सेकंड में अपन कहां पर, जल्दी बताओ मैंने क्या पूछा था आपसे, पूरे सवाल की प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ती है तब डिस्टेंस आता है, अच्छा सवाल है इसे तो की भाई भाई सब का तो यही समझ नहीं आया कैसे हुआ, ये किस चीज का आंसर है, फोर मैंने स्टूडेंट पूछा है मैंने क्या पूछा है आपसे, क्यों डिस्प्लेसमेंट का आंसर है, डिस्प्लेसमेंट से आपको आपका चाहिए पहले तो ये जो पार्टिकल है ये 1D 2D सब पहले तो मंडी बताया था ना, जब मंडी बताया था तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट थी, कांस्टेंट ही वेरिएबल है, कंफ्यूज मत हो, अब ध्यान से मंडी है 2D है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का मतलब ध्यान से देंगे आप, ध्यान से तो किसी टाइम की का एक्स की वैल्यू कितनी 2D एक्स की कितनी है 2D और वाई की वाई की ध्यान से देखो तो y की वैल्यू लिखी जा सकती है x / 2 का होल स्क्वायर, नहीं आया ध्यान से, तो ये इक्वेशन y बराबर x स्क्वायर / 2 विच इज अ पैराबोला, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, नहीं आया इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का मतलब जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हो स्ट्रेट लाइन, इस पाथ को समझ लो 2D की 1D 2D 1D 2D वैसा समझो, आपको प्लीज करो बच्चों लगता है काइनेटिक्स मतलब v बराबर u + t s बराबर u + r का एडिशन, वो थोड़ी काइनेटिक्स है यार, तो काइनेटिक्स जैसे पार्ट है अब v नहीं आ रही स्पीड की, करता जो बोला चमका जैसे काइनेटिक्स की काइनेटिक्स की पढ़ा रहा हूं, इससे खुद पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है ये सब सन्नाटे में रह जाता आगे सब कुछ वीक हो जाता चैप्टर, करता जो बोला चमका अब सोच, यानी कि हम रेट में ऐसा पार्ट दे रहे हैं, हमें ये दूरी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये दूरी चाहिए भाई साहब, डिस्टेंस का मतलब क्या है, क्रिटिकल पोजीशन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आपको x पता है तो स्पीड निकालने का सिंपल तरीका है v बराबर dx / dt, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है तो वेलोसिटी वेक्टर निकालने का तरीका है dr / वेक्टर / dt, अरे भाई साहब आना हो, अगर आपको ध्यान से सोचें कि आपको r फाइनल वेक्टर - r इनिशियल वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आप लिखते हो इंटीग्रल v dt, बोल यस और नो, जो आपने अभी कहा बोल यस और नो, सो यहां पे जब इंटीग्रेट करोगे तो v क्या चीज है, स्पीड की वेलोसिटी, तो इससे आएगा क्या डिस्टेंस, अरे यार यहां पे x क्या चीज है,
यहाँ पे डिस्टेंस, और यहाँ पे ये क्या चीज है, ये कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट है। क्या नहीं आया? तो सोच ऊपर जो ds है, ds का इंटीग्रेशन इज बेसिकली डिस्टेंस, ds का इंटीग्रेशन इज बेसिकली, क्या नहीं आया? एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt, बट v इज व्हाट, स्पीड को बेसिकली ऐसे लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ v dt, नहीं आया इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ v dt। डिस्टेंस जब भी निकालना होगा ऐसे निकाला जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा ऐसे निकाला जाएगा। ये दोनों एक बात नहीं है, ये अलग अलग बात है। जो आपने निकाला ये क्या है, क्या है मुझसे क्या पूछा है, तो ऐसा रहेगा, वो ऐसे आएगा ही नहीं। ये प्रोसीजर ही गलत है। एक रुक जाओ ताने मारे जी, क्या दरवाजे सुंदर के यहां हो गई भी जा रहा है, क्या हुआ? ये इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक थी, ये क्या थी इक्वेशन ऑफ मोड ऑफ वीडीडी। इसका मतलब डिस्टेंस का आंसर पता है क्या है, जो अपन सॉल्व नहीं कर पाए तो सर्टिफिकेट का इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन को छोड़ देना, मोड यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 टी स्क्वायर dt लिमिट 0 टू t। अब से इंटीग्रेशन का साइन लेना सर, मैं इसको बता उसको मिल गया, ये आंसर आए क्या सोचो तो आंसर है ही, ये कौन सी टीम है बीसी, किसी तो एक ही नहीं मिलेगा भाई। अरे नहीं आया, अरे एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे बुद्धि खोलोगे ना अगले साल मत बुद्धि रहोगे। पहले तो खुद सोचो क्या आपको ऐसा लगता है मैं कुछ रट गया, मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे बता दो बच्चों को क्या सिखा रहे। अरे यार हाँ वो आपको फिजिक्स में था ना सवाल, अगर उसे सीखना है तो उसे फील करना पड़ेगा, वरना अनंत सवाल है, अनंत कोई कमी नहीं है। पर फिर भी आप कोई भी सवाल लाके मुझे दे दो, मैं आपको आगे कर पाया तो कॉल करके लाके दे दूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि मेरे क्या किए हैं, मैं प्रैक्टिस में कर रहा हूं, साल से तो आप अच्छे हो गए। जो बोला चमका सिंपल लॉजिक है, बता जो बोला चमका एकदम पक्का, पहला सवाल समझ आया है, क्या ही बात समझ में आनी चाहिए। अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो आपने काम खड़े हो जाने चाहिए, क्या डिस्टेंस बराबर मॉड ऑफ वी डी टी, क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर वी वेक्टर वी टी, दोनों अलग अलग बात है, परेशान होने की जरूरत है। उतार बिल्कुल ऐसे कैसे एक और सवाल करा दे, देख ध्यान से, बिल्कुल ऐसे कैसे एक और सवाल करा दे, देख ध्यान से। Yes, ma'am.
क्या वेलोसिटी वेक्टर? क्या होगा वेलोसिटी वेक्टर? डिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है? मॉड्यूलस। बहुत आसान है, तू इसका मॉड्यूल बहुत अच्छा आंसर आएगा। एन स्क्वायर साइन स्क्वायर टू टी प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू टी इंटीग्रेशन जीरो टू टेन सेकेंड डी टी। ये अंदर वाला मसाला है क्या? टेन साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है? क्या मैं मान सकता हूँ आपको पता है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है? हाँ कि ना, पहले प्रश्न लिखा हुआ तो होना चाहिए था ना। अब क्या बचा? टेन। बहुत आसान आंसर आया। क्या बताऊं उसको? कितने मीटर चले? सन्नाटे में चले। थोड़ी और चीज दिला दो प्रश्न टेंडर ट्रेजेक्टरी से, मुझे देख अच्छा लगेगा। जब देख ध्यान से तो एक्स की वैल्यू क्या है? फाइव माइनस फाइव कॉस टू डी, इसलिए एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस फाइव कॉस टू डी। ऐसे y की वैल्यू है फाइव sin 2t। ध्यान से एक रेट अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर ले। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेगा तो x माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर। इट्स ए इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस फाइव एंड सेंटर कोऑर्डिनेट फाइव कॉमा जीरो। इसकी इक्वेशन है जो रियल सी सवाल है उसको बता रहा है। मैं क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया नहीं आया? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? वो चमका अभी आ जाएगी। आप जब एनालिसिस कर लेते हो तो आपको सब्जेक्ट की फील आने लगती है, आपको चमन लगता है। अच्छा ये होता है साला इसमें। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एक और देख थोड़ी सी फील कर लेना, अच्छा लगेगा, सबको मजा आएगा। मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, अरे बड़ी उछल रहा है वो थ्री आई कैप प्लस फोर माइनस टेन टी जे कैप। बोलो क्लियर? ठीक है, आपको इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बतानी है? आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जाने ये वेक्टर इक्वल टू किया गया प्लस फोर माइनस ट्वेंटी जे कैप। इधर एक वैल्यू कितनी हुई? 3t। तो
y की वैल्यू है 4t और t की वैल्यू है x by 3 यानी 4 into x by 3 minus 5 into x by 3 का whole square बोल यस और नो y की वैल्यू कितनी है यहां से इधर से मिला हमने 12x यार 12x minus 5x square by 3 बोल यस और नो y यहां पे भी नहीं यहां पे किसी क्वेश्चन डाउनवर्ड अपवर्ड ये प्रोजेक्टाइल है जो आप पढ़ने वाले हैं तो प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन ध्यान से इनिशियल रफ्तार 3 y में 4 यानी कि कुल मिला के 5 एंगल हुआ 53 डिग्री एक्सेलरेशन है माइनस एक प्रोजेक्टाइल मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रोजेक्टाइल में सब कुछ बता सकता है भूल जाता है प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जीवन में कभी ऐसे ही आता है ना प्रोजेक्टाइल उसमें डायरेक्शन टाइम होता है ना परमिट रफ्तार में कोई चेंज नहीं हो रहा चलाई की रफ्तार घटती है टी बराबर यू आई माइनस जी टी कोई निकाल नहीं देखिए क्वेश्चन डायरेक्टर निकाल दीजिए सोच इसमें कुछ भी कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या तो निकाल सकता है इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल की पीएचडी आती है अगर डेसिमल इंडेक्स मुझे लगा नहीं मैं इसलिए मैंने सवाल करा है वो उल्टे उल्टे आगे भी दे दिया रियलिस्टिक सिचुएशन से कनेक्ट करा देख इसमें भी रियलिस्टिक सिचुएशन से कनेक्टेड था मैंने कहा कि नहीं रहा क्या तुम आया नहीं आया नहीं हम रिटायर पूरा ढंग से पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं बट हमें समझ में आ रहा है कि हम उसमें थोड़ी और ज्यादा पीएचडी कर लो बाकी है ये काइनेमेटिक्स है ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन काइनेटिक y बराबर x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos वाली का पढ़ी है वो ये इक्वेशन रिलेटेड ही है उसे रटने की जरूरत नहीं उसे निकालने की जरूरत नहीं नहीं आई आई नहीं आई तो काइनेटिक इससे ही तो बिल्कुल ही आता है इसमें कोई शर्म वाली बात क्या सोच रहे बात है नॉर्मल ऐसे करते मैं आपको पहले एक बात तो मैंने किसी सिखाया उसमें क्या था मैंने आपको इक्वेशन रिलेटेड निकालना सिखाया अगर 2D में हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया 1D में हो तो पलटी मार रहे हो तो कहां मारोगे वो रोज सिखाया बोल यार नहीं आया थोड़ी थोड़ी फील आई अजीब सा तो नहीं लगा क्या लेक्चर टफ था क्या फास्ट था 100% गुजरा पक्की बात नहीं आया अभी तो मैं चक्कर को एक काम करता हूँ मेरा शो में वैसे फर्नांडिस को फर्नांडिस की वैसे नहीं पढ़ाता कि आपकी बेसिक फिजिक्स अच्छी करेगी क्या अच्छी करेगी क्या अगर आपको ये नहीं आएगी तो आप कैसे लोड फर्नांडिस में एक क्यों चुटो का यार स्क्वायर जो नेक्स्ट का फंक्शन आएगा उसे निकाल पाओगे अब तो रियल काइनेमेटिक्स और चालू होगी अगले टर्म जब मैं फ्री बताऊंगा कि मैं कैसे सारे सवाल बना सकता हूँ रियलिटी में काइनेमेटिक्स क्या है और वो वही समझ सकता है जो थोड़ा सा बुद्धि वाला बच्चा खाली सवाल नहीं करा पा बताऊंगा कि सवाल कैसे बनते हैं कैसे मैं सवाल करा सकता हूँ क्यों गलत सवाल बना पा रहा हूँ मुझे लॉजिक क्लियर है अच्छा है आपको क्लियर हो जाएगा आपको डर नहीं लगेगा दो ही चीज अच्छे समझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन भी ठीक होना जरूरी है आपको बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे पढ़ने की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे बालों समझ नहीं आ रहा कि पैराबोला की सॉल्यूशन क्या समझ आएगा क्या पता होगा जी पैराबोला है पानी भरता हुआ ढलता हुआ ढलता हुआ मतलब पानी ढलता हुआ मतलब उल्टा अरे यार हां हो पता होगा जी ये तो गणित है इतनी बेसिक आपको आनी इसलिए मैं आपको पूरी वेक्टर कैलकुलस और बेसिक कैलकुलस के लिए बोला है सन्नाटे में मत चले जाना नहीं तो फिजिक्स सन्नाटे में चली जाएगी कभी बार ये अरे आप लोगों से रिक्वेस्ट प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिजिक्स को खाली बहुत सारे सवाल करने से फिजिक्स आने वाली मैं गारंटी लेता हूं आपको 2 महीने बाद समझ में आएगी मेरे लिए तुम कोई नए नहीं हो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं तुम्हारे जैसे तुम जिसकी तैयारी कर लो मैं कर चुका हूं तो तुम्हारे जैसे को बहुतों को पढ़ा चुका हूं